हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू आवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। टुडे वी डिस्कस आवर सेकंड चैप्टर्स एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर। आज के वीडियो में हम हमारे जो सेकंड चैप्टर है यूजेस ऑफ प्लांट उसके एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना है। वी मेक चपातीज फ्रॉम, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि वी मेक चपातीज यानी रोटी जो है हम किससे बनाते हैं। वीट फ्लार, गेहूं के आटे से, पल्सेस पाउडर, दालों के पाउडर से या आटे से, स्पाइसेस पाउडर और ग्रेटेड फ्रूट्स। तो हम जो है चपातीज किससे बनाते हैं, वीट फ्लार यानी कि गेहूं के आटे से चपाती बनती है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, वीट फ्लार। वी ईट द लीव्स ऑफ, हम खाते हैं पत्तियां किसकी, स्पिनच की पत्तियों को हम खाते हैं यानी पालक की पत्तियों को हम खाते हैं। तो इसमें आप आंसर क्या लिखेंगे, स्पिनच। स्पाइसेस आर ड्राइड, स्पाइसेस जो है क्या होती हैं, ड्राइड सीड्स, बार्क और रूट, तीनों ही जो है स्पाइसेस के रूप में हमें मिलते हैं, चाहे सीड्स हों, बर्क हो या रूट्स हों। अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग बीज, बर्क और रूट्स जो हैं हमें स्पाइसेस के रूप में मिलते हैं। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड गिवन इन बॉक्स। आपको यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी हेल्प से फिल इन द ब्लैंक करने हैं। यहाँ पे जो स्पेस आया है उसको आपको फिल करना है। फर्स्ट है बीट एंड कैरेट आर, बीट और कैरेट जो है यानी चुकंदर और गाजर जो है वो क्या है, रूट्स ऑफ प्लांट दैट वी ईट, वो क्या है, रूट्स हैं प्लांट की जिसे हम खाते हैं। मोस्ट ऑफ द नट्स हैव अ हार्ड आउटर कवरिंग, ज़्यादातर जो नट्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, हार्ड आउटर कवरिंग होता है, उनके ऊपर एक शेल होती है, हार्ड शेल जिससे वो कवर रहते हैं। वी गेट ऑयल फ्रॉम सनफ्लावर, हमें सनफ्लावर से क्या मिलता है, सनफ्लावर सीड से ऑयल, वी गेट ऑयल फ्रॉम सनफ्लावर सीड्स। नेक्स्ट है यूज टू मेक सक्स एंड मैट्स, जूट जो है उसको यूज़ किया जाता है चटाई और बोरियां बनाने के लिए। टर्मरिक हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़, और टर्मरिक यानी हल्दी में जो है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इस तरह से आपको इसे अपनी बुक के अंदर फिल करना है। स्टूडेंट्स, आप इसको इस तरह से जैसे मैंने लिखा है आप बिल्कुल इसी तरह से इसको फिल करिएगा। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ट्रू और फॉल्स, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा ट्रू है और फॉल्स है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट इज जनरली पल्सेस ग्रो इन पुट्स, जो जनरल सामान्य तौर पे क्या होता है, जो दालें होती हैं वो फलियों में उगती हैं। तो हाँ ये सही है, इट इज़ ट्रू। तो आप इसके आगे क्या लगाएंगे, ट्रू लिखेंगे या टी लिखेंगे, जैसे मैंने है ना जो ट्रू है उनके लिए टी का यूज़ किया है और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके आगे एफ लिखा है, इसी तरह से आप भी लिखेंगे। देखिए टी इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम सीड्स ऑफ टी प्लांट, जो चाय पत्ती है वो हमें कहाँ से मिलती है, टी प्लांट के बीजों से। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि हमें चाय की पत्ती किससे मिलती है, चाय के पत्तियाँ जो ग्रीन लीव्स होती हैं टी प्लांट की उससे मिलती है, उसे ड्राई करके चाय के फॉर्म में बनाया जाता है। नेक्स्ट है तुलसी इज़ अ मेडिसिनल प्लांट, तुलसी जो है एक मेडिसिनल प्लांट है, यस तुलसी इज़ अ मेडिसिनल प्लांट। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, ट्रू। वी गेट पेपर फ्रॉम यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस से जो है हमें पेपर मिलता है, नो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे। नेक्स्ट है कोकोनट फाइबर इज़ यूज टू मेक रॉप्स एंड मैट्स, जो कोकोनट फाइबर है उसका यूज़ रस्सी और मैट्स बनाने के लिए किया जाता है, यस हमने हमारी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो कोकोनट फाइबर है उसका रस्सी बनाने और चटाई वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, ट्रू। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी, यहाँ पे आपको
प्लांट्स के नेम दे रखे हैं और उनको आपको उनके यूजेस से, कॉलम बी में जो उसके यूजेस लिखे हुए हैं उससे मिलाना है। जैसे हमारा पहला है पटेटो। पटेटो एक ईटेबल स्टेम होता है, तो हम उसे किससे मिलाएंगे, सी से। पटेटो इज ईटेबल स्टेम। बैम्बू, बैम्बू से हमें क्या मिलता है, पेपर मिलता है, तो हम क्या करेंगे, हम बैम्बू को पेपर से मैच कर देंगे। यूकेलिप्स, यूकेलिप्स से हमें क्या मिलता है, मेडिसिनल ऑयल मिलता है, इसलिए हम इसको मेडिसिनल ऑयल से मैच कर देंगे। शीशम, शीशम की जो लकड़ी होती है, शीशम वुड जो होती है, उसका फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड लेंटिल, लेंटिल जो है एक तरह की पल्स होती है, दाल होती है, तो उसको हम किससे मैच कर देंगे, दाल से। तो इस तरह से जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बिल्कुल इसी तरह से आपको अपनी बुक में भी मैच करना है। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट डू स्पेस स्पाइसेस ऐड टू द फूड। इसमें आप क्या लिखेंगे, स्पाइसेस ऐड फ्लेवर टू द फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ वुड, लकड़ी का क्या यूज़ होता है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, वुड ऑफ सम ट्रीज, कुछ पौधों की जो लकड़ियां हैं, जैसे लाइक टेक साल एंड शीशम इज यूज टू मेक फर्नीचर। कुछ पौधों की कुछ ट्रीज की जो लकड़ी है, जैसे टेक साल एंड शीशम की जो लकड़ी है, उसका यूज़ किया जाता है फर्नीचर बनाने, ड्रॉर्स, विंडोज, फ्लोर्स एंड पेंसिल वगैरह बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लकड़ी को एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं। वुड ऑफ सम ट्रीज लाइक टेक साल एंड शीशम इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर, डोर्स, विंडोज, फ्लोर्स एंड पेंसिल, एंड ऑल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर कुकिंग। और इसके अलावा उसको हम एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं, ईंधन के रूप में भी यूज़ करते हैं। जब खाना वगैरह बनाते हैं चूल्हे पे, तो लकड़ी को जलाकर खाना बनाया जाता है, तो हम उसको लकड़ी को कैसे यूज़ करते हैं, एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लांट इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स, कौन से प्लांट का यूज़ किया जाता है कपड़े बनाने के लिए। कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स, कॉटन के पौधे का प्रयोग किया जाता है कपड़े बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम प्लांट दैट गिव अस ऑयल, ऐसे पौधों के नाम बताने हैं जो हमें ऑयल देते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम प्लांट्स दैट गिव अस ऑयल, ऐसे पौधों के नाम आपको बताने हैं जिनसे हमें ऑयल मिलता है। सो प्लांट लाइक मस्टर्ड, कोकोनट, ग्राउंडनट, सेसमे एंड सनफ्लावर एक्सेट्रा गिव अस ऑयल। कौन कौन से प्लांट से हमें जो है ऑयल मिलता है, मस्टर्ड यानी सरसों, कोकोनट नारियल, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, सेसमे यानी तिल और सनफ्लावर यानी सूरजमुखी के पौधे से हमें ऑयल मिलता है, जिससे हम कुकिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू प्लांट्स ऑब्जर्व फ्रॉम द एयर, जो प्लांट हैं वो एयर से क्या ऑब्जर्व करते हैं। ग्रीन प्लांट ऑब्जर्व हार्मफुल गैसेस फ्रॉम द एयर, तो ग्रीन प्लांट जो है वो क्या करते हैं, एयर से यानी हवा में से जितनी भी हार्मफुल गैसेस होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। तो स्टूडेंट ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, जिसे आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे पुट द आउट वन आउट, इनमें से जो अलग है उसको बाहर निकालना है आपको। इन पिक्चर्स में जो अलग है उसको आपको अलग करना है, जैसे पटेटो, बनाना, टोमेटो एंड मिल्क। अब पटेटो, बनाना और टोमेटो ये हमें किससे मिलते हैं, ऑब्वियस है प्लांट से मिलते हैं, बट जो मिल्क है वो हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से
आउट कर देंगे, अलग कर देंगे। पेपर, स्पून, गम, परफ्यूम। अब देखिए, पेपर हमें प्लांट से मिलता है, गम भी हमें प्लांट से मिलता है, परफ्यूम भी हमें प्लांट से मिलता है, बट जो स्पून है वो स्टील होता है, स्टील का या प्लास्टिक का बना होता है, तो वो हमें प्लांट से नहीं मिलता, इसलिए हम इसको भी इस तरह से आउट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा शर्ट, मैट, रॉप एंड वुड। देखिए, शर्ट जो है ये फाइबर की बनी होती है, मैट्स ये भी फाइबर से बनती है, एंड रॉप्स ये भी फाइबर से बनती है, पर जो वुड है वो अपने आप में रॉ मटेरियल होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको ये फाइबर से नहीं बनती, इसलिए हम इसको आउट कर देंगे। एंड एग, सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड कोकोनट। सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड कोकोनट, ये हमें, ये सब प्लांट होते हैं और इनसे हमें ऑयल मिलता है, बट जो एग है ये हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है, तो इस तरह से हम इसको भी आउट कर देंगे, इस तरह से इसको अलग दिखा देंगे। तो ये हो गई आपकी एक्टिविटी, जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपका यहाँ सॉल्व हो चुका है। आई होप स्टूडेंट आपको अपने सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए होंगे। आप लोग ये सारे आंसर्स अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन कीजिएगा, बुक में फिल करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।